दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं पियकांजू मंदिर वृंदावन, जो कि ठाकुर जी महाराज का है और वही ये सब मैनेज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाना चाहूंगा, राघव से कहूंगा कि दिखा दें दर्शक को। तो हम यहां पे पहुंच चुके हैं पियकांजू मंदिर और ये वैष्णो देवी धाम के बाद दूसरा हमारा प्लेस है जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी शिव कथा भी चल रही थी, जो कि 25 जुलाई से 21 अगस्त तक थी, उसका भी यहाँ पर लगा हुआ है। और उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग निर्माण जो है वो हुआ था, एक करोड़ 25 लाख का, जो कि पूरी अच्छे तरीके से संपूर्ण हुआ। और उसके बाद कल जन्माष्टमी महोत्सव है, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से आप लोगों को दिखाएँ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि अभी किसी ने हमें बताया, एक भैया ने जो ठेला लगाते हैं, उनका कहना है कि प्रेम मंदिर में कल योगी जी आ रहे हैं, यानी कि जो यूपी के सीएम है वो आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम वहां पर भी पहुंचे और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज रात को भी हम यहां पर, ये रोड आप देख रहे होंगे, राघव दिखा दीजिए, यहाँ पर लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, जो कि पूरी रोड को सजाया गया है। कल जन्माष्टमी महोत्सव है, अभी फ़िलहाल विजुअल क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लाइटें जो है वो लगा दी गई हैं, पूरा रोड जो है ये जगमगाने वाला है रात को। और वो विजुअल भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पियकांजू मंदिर के सामने से आदर्श पांडे